हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो आज की ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारी वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो जाती है और उससे बहुत से सब्सक्राइबर मिल जाते हैं एक यूट्यूबर को। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उनको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, उनके वीडियोज पर व्यू नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी वीडियोज पर काफी ज्यादा व्यूज पा सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइबर ला सकते हैं, इवन अपनी वीडियो को आप वायरल भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की वीडियोस मिलियन पे जाती है लेकिन उन लोगों के पास सब्सक्राइबर रहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर नहीं है फिर भी वो लोग मिलियंस तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा आपको लाइव बताऊंगा, सब प्रूफ के साथ साथ बताऊंगा और जो चीजें मैंने एनालाइज किए वही बताऊंगा आपको, कुछ भी ऐसी फेक ट्रिक नहीं बताऊंगा। बस दोस्तों, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है बिल्कुल बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएं, मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूं। दोस्तों, ये मेरा टेक टू नेक्स्ट के अलावा एक और चैनल है जिसका नाम मेरे नाम से विशाल जेठवानी, और यहां पर मैं आपको एक वीडियो सबसे पहले दिखा दूं जिसपे मेरे 2 मिलियन व्यू चले गए हैं। मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहूंगा, आप नीचे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ऐसे हो जाते हैं बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। और दोस्तों, इस पर आप देख सकते हैं 2 मिलियन व्यू करीब होने वाले हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो की वजह से मुझे 5000 सब्सक्राइबर भी इसमें मिल गए, जबकि मैंने इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं की है, मैं टेक टू नेक्स्ट पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा वायरल कैसे करते हैं वीडियो, कैसे आपकी वीडियो वायरल होगी। उससे पहले मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहूंगा यूट्यूब की, जो अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते तो वो जरूर कीजिए, आपके हर वीडियो पे व्यूज उससे आएंगे ही आएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जो पेज आपके सामने खुला हुआ है, यहां पर मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की छोटी सी मतलब स्टेप्स बताऊंगा, वो आपको फॉलो करने। सबसे पहले आप देखिए, जब भी आप यूट्यूब पर अगर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको पब्लिक की जगह कर दीजिएगा प्राइवेट, है ना दोस्तों। इससे क्या होगा, जब भी आप अगर वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और जब ये प्रोसेसिंग होते रहती है ना, जब आप वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं, एक्चुअली मेरी ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर इनवैलिड शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब आपकी वीडियो अपलोड होती है 1-3% जो यहाँ पर शो करते हैं ना, आपको उसी टाइम सारे जो टाइटल है या फिर डिस्क्रिप्शन है, जो टैग्स हैं, उसी टाइम आपको सारे दे देने, क्योंकि दोस्तों जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और हमारी प्रोसेस चलती है, तो YouTube का जो एल्गोरिथम रहता है वो हमारी वीडियो के ऊपर टोटली एक्टिव रहता है। तो अगर आप उसी समय अच्छे टैग्स दे देते हैं और वीडियो को जब तक आप प्राइवेट रखेंगे तो ये आपके व्यूवर्स के पास नहीं जाएगी। इसका प्रॉफिट ये होता है दोस्तों, आप अपना थंबनेल सेट करते हैं, मनचाहा थंबनेल सेट करके उसके बाद अगर आप पब्लिश करते हैं तो आपके नोटिफिकेशन जितने भी लोगों के पास जाएंगे तो उस थंबनेल के साथ जाएंगे। तो अगर आपने एक अच्छा थंबनेल डिजाइन किया है, आप वीडियो को प्राइवेट रखिए, ये सारी लिस्ट आप सब चीजें फिल कर दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप कीवर्ड फाइंड करने के लिए कोई टूल ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर बताना चाहूंगा जिसका नाम है दोस्तों TubeRank G3। दोस्तों, ये आप सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा, आप सर्च कर लो यूट्यूब पे या फिर गूगल कर लो तो ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही इजी मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं जैसे एग्जांपल दूं तो एक हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स फनी वीडियो। दोस्तों, जैसे कि ये इस वीडियो पे मतलब ये टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है और आपको टैग्स ढूंढने हैं तो आपको ये इस वीडियो पे मतलब इस सॉफ्टवेयर पे सर्च कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैं सर्च कर रहा हूँ और मैं आपको आगे इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो सारी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इनको फॉलो करते हैं। अगर आप इसमें से एक दो भी फॉलो करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी, आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा। देखिए दोस्तों, मैंने सर्च कर लिया और ये ओपन हो चुका है सॉफ्टवेयर, और इसके आपको चला जाना है एनालाइज सेक्शन में, और उसके बाद आप नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे टैग्स मिल गए हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, टैग्स को लेते जाना है, जो हाई कंपटीशन है, मिडिल कंपटीशन है, जो भी आपको टैग्स अच्छे लगे आपको बेसिकली उन पर सिर्फ क्लिक करते जाना है। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा टैग्स आपको ढूंढ के देता है, तो आप सारे ले लीजिए, जितने भी आपको लेने हो आप ले लो, जितने आपको रखने अच्छे लग रहे हैं वो सारे टैग्स लेके आप इधर ऊपर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, गेट माई स्कोर, तो आपको ये 11% दे रहा है। मैंने तो अभी कुछ भी कुछ टैग्स ले लिए, लेकिन आपको अच्छे से फाइंड करके टैग्स लेने हैं तो आपको यहाँ से सारे टैग्स लेके कॉपी करके, है ना, कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर लीजिए और यूट्यूब की वीडियो पे जाके आप पेस्ट कर लीजिए। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको अच्छी बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं जानते हैं टैग्स ढूंढने के लिए और काफ़ी अच्छी एनालिसिस करने के लिए यूट्यूब पे, जिसका नाम है TubeBuddy। दोस्तों, आपको अपने ब्राउजर पर सर्च कर लेना है TubeBuddy, और जैसे ही आप सर्च करोगे आपको देखो यहाँ पर आपको TubeBuddy का ये साइन इन करना होगा,
वेबसाइट। और दोस्तों ये साइन इन करने के बाद मैंने दोस्तों ऑलरेडी कर लिए, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एक्सटेंशन एडेड, तो इसका प्रॉफिट क्या है वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। सिर्फ आपको यहाँ पर एक साइन इन कर लेना है और ये आपकी कुछ परमिशन लेगा, आपको उसको टिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये वाला तो टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर सॉरी वही बनाते हैं, चलिए कॉलेज वाली जो हम लोग कर रहे थे ना, कॉलेज फनी वीडियोस कर लीजिए, है ना। अगर इस पर आपको अच्छे टेक्स्ट चाहिए या जो भी आपको एनालिसिस करनी है, मैंने ये सर्च कर लिया है ना। अब देखिए अगर ट्यूब बडी आपके ब्राउज़र में ऐड हो चुका है, आपने अगर साइन इन किया हुआ है ट्यूब बडी पर इसी मेल से, तो आपको देखिए सारे टैग्स वगैरह शो करेगा जो कि रैंकिंग है। अब मैं मानता हूँ कि इस वीडियो वाले ने क्या टैग यूज़ किए हैं अपनी वीडियो पे, तो मैंने इसकी वीडियो पर क्लिक किया। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, हमको इसके सारे टैग्स दिखा दिए जाएंगे। तो दोस्तों जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं तो उस पर ऑलरेडी बहुत लोगों ने बनाई होगी, तो उनके जो टैग्स हैं वो काफ़ी पावरफुल होंगे, तो वो टैग्स आपको कॉपी कर लेने हैं। जैसे कि इन्होंने सिर्फ 3 टैग ही यूज़ किए हैं अपने वीडियो पर, तो जिसके भी आपको टैग देखने हो आप क्लिक करके उनके टैग्स बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं इस ट्यूब बडी एक्सटेंशन से। जैसे मेरे को इस वीडियो की देखनी है तो मैंने ये किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भी हम लोग को सारे ये टैग्स यहाँ पर शो हो चुके हैं। दोस्तों ये मेथड है टैग्स ढूंढने के। अब मैं नेक्स्ट आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आप अपने चैनल में आपको क्या करना है, आप यहां पर आ जाइए क्रिएटर स्टूडियो में जाके आपको अपने माय चैनल के पेज पे आ जाना है। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप आ जाइए, देखिए फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर और फॉर न्यू विजिटर, तो यहाँ पर आपको एडिट में जाके अपनी कोई अच्छी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। ये लेटेस्ट अपलोड की जगह जो भी आप करना चाहें फीचर कंटेंट में जाके यहाँ पर आपको एक अच्छी वीडियो सेट कर लेनी है, और न्यू विजिटर के लिए भी यहाँ एडिट में जाके आपको एक अच्छी वीडियो सेट कर लेनी है, ट्रेलर बोलते हैं इसको। तो आपको जो भी आपकी अच्छी वीडियो आपके चैनल पे, वो आप अपने चैनल का ट्रेलर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको आपके चैनल के पेज पर मिल जाएंगी। और दोस्तों इसके बाद में आपको और कुछ बताना चाहूँगा, वो भी मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपलोड्स, यहाँ पर आपका पॉपुलर अपलोड अगर नहीं दिखा रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ एडिट में आ जाइए। दोस्तों आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, फिलहाल मैं जल्दी में बता रहा हूँ। तो अगर आपका यहाँ पर पॉपुलर अपलोड नहीं है तो यहाँ पर जो भी होगा अपलोड्स होगा, बेसिकली डिफॉल्ट एज डिफॉल्ट अपलोड रहता है, तो उसको आपको पॉपुलर अपलोड सेलेक्ट कर लेना है और डन पे क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपकी ज़्यादा वीडियोज़ देखी गई है वो आपके चैनल पर टॉप पर रहेंगी, कोई भी न्यू विजिटर आता है तो उसको वो वीडियो जरूर दिखेगी। दोस्तों ये सारी सेटिंग्स आपको कर लेनी है, चैनल का लेआउट वगैरह सेट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आप कर लीजिए क्रिएटर स्टूडियो में आपको क्लिक कर लेना है। क्रिएटर स्टूडियो में क्लिक करने के बाद आप ये वीडियो मैनेजर में चले जाइएगा, और दोस्तों वीडियो मैनेजर में क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है हेल्प एंड फीडबैक, यहां पर आपको क्लिक करना है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या फिर काफ़ी टाइम से यूट्यूब चला रहे हैं तो ये सारी ट्रिक्स जरूर फॉलो कीजिए यार, डेफिनेटली व्यूज़ आते हैं इन सब ट्रिक्स से। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या सर्च करता हूँ, वीडियो फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो फॉर्मेट सर्च कर लिया है ना। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ वीडियो फॉर्मेट पे, और यहाँ पर देखिए नीचे में आया रिकमेंडेड अपलोड इनकोडिंग सेटिंग। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स है, अब यहाँ पर आप फ्रेम रेट और बिट रेट दोनों देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको फ्रेम रेट बता दे रहा हूँ, और सॉरी बिट रेट में सबसे पहले क्लियर कर दूँ, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। तो दोस्तों देखिए अगर आपकी वीडियो आप 720p में बनाई है तो आपकी वीडियो का बिट रेट रहना चाहिए 5 Mbps to 7.5 Mbps। दोस्तों मतलब आपकी YouTube जो रिक्वायरमेंट मांगता है वीडियोस के लिए वो सभी आपको यहाँ पर दिखिए, तो वो आपको पूरी करनी जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube क्या बोलता है, अगर आपकी वीडियो इतनी MB की है, इतने पी में आपने रिकॉर्ड की हुई है, ऑडियो के लिए भी सारी सेटिंग दी हुई है, तो आप अपने एडिटर में ऐसी सेटिंग करें जो YouTube आपसे मांगता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको और बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आइए यहाँ पर आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपने चैनल पर चले जाता हूँ टेक टूनेस। आपको क्या करना है, इस अपने चैनल पर जाके यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और डिस्कवरी में दोस्तों जाके देख सकते हैं आपके टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स जो शो करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा आपके चैनल से रिलेटेड सर्च क्या हुए हैं। तो इसको आप कर लीजिएगा लास्ट 7 days, और दोस्तों यहाँ पर जो जो ये दिखा रहे हैं जैसे निकॉन D3400 और जितने भी, अगर आप कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों उस पर ये सारे टैग्स डाल दीजिए। अगर दोस्तों आप ये सारे टैग उस वीडियो पे डाल देंगे तो डेफिनेटली ये व्यूज़ भी, मतलब इन वीडियोस पे जैसे आपके स्पीड से व्यू आए हैं तो वो व्यूज़ आपके नए वीडियोस पर भी जरूर आएंगे। तो दोस्तों ये वाला भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपने जो टैग्स आपके जो सबसे ज़्यादा सर्च होते हैं यूट्यूब पे वो सारे टैग्स आप सीधा ट्रांसफ़र कर दीजिए
अपने नए वीडियो पे, जब भी आप एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ये सारे टैग्स आपको यूट्यूब स्टूडियो से लेके उठा के कॉपी करके आपको अपने नए वीडियो में डाल देने, इससे भी आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और फीचर बताने जा रहा हूँ। अब लास्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि वीडियो वायरल होने की, कि ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई कि सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, आपका चैनल ग्रो कैसे होगा, लेकिन दोस्तों वीडियो वायरल कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। ये जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर मेरी जो एक चैनल है जिस पे 2 मिलियन व्यू आ गए, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई नया चैनल है जहाँ पर आपने कोई मेहनत नहीं की हुई है, अभी जीरो सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पर आप ऐसे काम कीजिए। पर मैंने क्या किया है, एक वीडियो जो ये डाल दी है जिसमें एक छोटा सा एक्सीडेंट दिखाया गया है और सिर्फ 42 सेकेंड की ये वीडियो है जिसने मेरे को 5,000 सब्सक्राइबर भी दे दिए। लेकिन मैंने ये टिप्स अपने टेक टूनेस चैनल पे फॉलो नहीं किए। तो अगर आपका कोई नया चैनल है, अगर आप एक अपना नया यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो आप डेफिनेटली उस पर फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई पहले से ही चैनल है तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके कोई कम सब्सक्राइबर हैं तो आप कीजिए, है ना। मेरे पास तो अभी तक देखिए कोई कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं आया इस वीडियो पे, पर मे भी आपके पास आ जाए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा आपको केयरफुल ये काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों मैंने क्या किया है, देखिए आप क्या कीजिए, जो भी वीडियो यूट्यूब पर वायरल होती है आप सर्च कर लीजिए, ट्रेंडिंग वीडियो है, ये वो है, या फिर जिनका थंबनेल, अब इस वीडियो का आप थंबनेल देख सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा अलग सा दिख रहा है कि लड़का हवा में ही गिर रहा है गाड़ी से। तो दोस्तों ये टाइप के थंबनेल आप वीडियो, ये मैंने यूट्यूब से निकाली और यूट्यूब पे ही जस्ट अपलोड कर दी। मैंने एक वीडियो यूट्यूब से उठाई और यूट्यूब पे ही अपलोड कर दी, मेरे पास ना कॉपीराइट आया, क्लेम आया, ना स्ट्राइक आया। ये क्यों, अगर दोस्तों आप किसी कंपनी का सॉन्ग वगैरह, किसी बड़ी कंपनी का सॉन्ग वगैरह उठा के डाल देते तो आपके पास डेफिनेटली कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक या जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। लेकिन जो कुछ लोग दोस्तों ऐसे ही सिर्फ एक वीडियो शूट करके एक्सीडेंट वगैरह या ट्रेन की या ज़्यादा वायरल होती है ये सब वीडियोस डाल देते हैं, है ना, उनको किसी से मतलब नहीं है। और कई लोग तो फ्री लाइसेंस भी करके रखते हैं, स्टैंडर्ड लाइसेंस नहीं रखते हैं, क्रिएटिव कॉमन रखते हैं। तो ऐसी वीडियोस को आप उठा के अपने चैनल पर डाल दीजिए और थंबनेल उसका अट्रैक्टिव दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप क्लिक बेट मत कीजिए, थंबनेल आप ऐसा रखिए जो वीडियो से ही कहीं आपने क्लिक किया हो, मतलब वीडियो में वही चीज़ हो, आप क्लिक बेट मत यूज़ कीजिए। दोस्तों इससे आपको क्या होगा, वीडियो वायरल होने की चांस ज़्यादा रहती है। मतलब ऐसे वीडियोज़ जो लोगों को थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे, अलग लगें, ऐसे टाइप के वीडियोज़ बहुत देखते हैं। अगर आपका टैग चैनल है तो आप उस पर भी फॉलो कीजिए, लेकिन अगर कम सब्सक्राइबर है तब कीजिए, चाहे फनी हो चाहे टैग हो, कोई भी चैनल हो लेकिन कम सब्सक्राइबर है तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब की ऐसी वीडियो जो आपको अट्रैक्टिव लगे या फिर जो आप लोगों को भेजें तो वो आप उस वीडियो पे जरूर क्लिक करें। अगर उसका एक बार थंबनेल देख लें तो उनको क्लिक करने का उस पर मन करेगी, यार मैं देखूँ, और 42 सेकंड की तो वीडियो है, क्या जाना है। तो सो ऐसी वीडियोस आप यूट्यूब पे कुछ देखिए जो वायरल हो सकती हैं और आप उनको डाउनलोड करके सिंपली अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिए, है ना। दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये वीडियो आप अपने मतलब प्रोफेशनल जिस चैनल पे काम करें उस पे मत कीजिए, बाकी सारी जो टिप्स मैंने पहले बताई वो आप अपने प्रोफेशनल चैनल पे भी काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं और आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा यार। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको पहले वो सारी मैंने एनालाइज की है और काफ़ी अच्छी टिप्स है सारी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और शेयर भी करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।